सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा एक के विषय संस्कृत की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है आपका स्तुति। स्तुति में जो है वो प्रभु से वंदना करता है, प्रार्थना करता है, करते हैं हम लोग बच्चे कि हमें किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। उत्तर पहला है आपका अस्तु मा सद्गमय, तमशु मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर मा अमृतम गमय। इसका अर्थ हुआ कि हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, हे प्रभु मुझे असत, यहाँ है ना अस्तो, इसका अर्थ हुआ असत्य यानी बुराई, बुराई से सद्गमय यानी सत्य यानी अच्छाई की ओर ले चलो। तो हम कह सकते हैं हे प्रभु मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। तमशु मा ज्योतिर्गमय, मुझे तम, तम का मतलब होता है अंधकार और ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, तो मुझे अंधकार से ज्योति अर्थात प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्युर मा अमृतम गमय, मुझे मृत्यु यानी मृत्यु, अमृतम यानी अमरत्व, तो मुझे मृत्यु से अमृतम अर्थात अमरत्व की ओर ले चलो। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं सभी कि हे प्रभु मुझे बुराई के मार्ग से हटाकर अच्छाई की मार्ग की तरफ ले चलो, यानी हम अपने जीवन में बुराई कर्म नहीं करें, अच्छा कर्म करें। कि हे मुझे तम अंधकार से, हमारे जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर अग्रसर करो यानी आगे बढ़ाओ। मुझे मृत्यु से अमृत, अमृत की ओर ले चलो, ये मृत्यु जो है उसको हम इसको त्याग करके अमृत तो यानी अमृत की ओर ले चलो। तो हम लोग इस वंदना में, इस स्तुति चैप्टर में इतना ही जाने कि हमें क्या, कैसे अपने जीवन में प्रभु से, प्रभु के शरण में किस तरह से प्रार्थना करना है। धन्यवाद।